नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। कोशाला की स्वीकृति 2 वर्ष पूर्व से हो गई थी, जिसमें मजदूरी, गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने और पानी की व्यवस्था के लिए 37 लाख रुपए की स्वीकृति हुई थी। इस गौशाला में 100 गोवंश आराम से रह सकेंगे, लेकिन ठेकेदार द्वारा गौशाला निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्रियों का उपयोग किया जा रहा है। इसमें बालू रेत की जगह नाली की लाल गिट्टी, गौशाला में कई जगह निर्धारित मापदंडों के अनुसार हल्का सरिया का उपयोग किया जा रहा है। गौशाला का निर्माण अभी तक अधूरा है। इसमें इंजीनियर, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक से लेकर ठेकेदार तक भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। उक्त मामले में उपयंत्री दीपक पटेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गौशाला निर्माण में बालू रेत का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर नाले वाली कच्ची लाल रेत का उपयोग किया जा रहा है। जब उपयंत्री से पूछा गया कि उक्त गौशाला का निर्माण कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा, तो वे कुछ जवाब ना दे सके।